Hello students, let's see this question. The question says pick up the correct statements from the following. चार statements दिए हैं आपको A, B, C, D. Correct statement यहाँ से choose करनी है और correct option को mark कर देना है, clear? पहला statement क्या था? A statement, glucose exists in two different crystalline forms, alpha D glucose and beta D glucose. ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो देखिए glucose का जो structure होता है वो कैसे होता है, fissure form में दिखा रही हूँ मैं, CHO CH2OH, OH, OH, H, OH. ये इसका क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, क्लियर? तो यहाँ पर आप नंबरिंग करोगे तो टॉप से नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो कार्बन नंबर 5 पर जो हाइड्रोक्सी लगा है ये क्या करेगा, अटैक करेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप में और हेमी एसिटाइल का फॉर्मेशन करता है. तो ये अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो आप जब कार्बोनिल पे अटैक होगा तो डबल बॉन्ड ओपन होगा कार्बन ऑक्सीजन का, तो यहाँ से दो फॉर्म निकल के आते हैं, दो फॉर्म निकल सकते हैं. तो ये इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि आपका जो कार्बन है, या मैं इसको साइकिल के फॉर्म में दिखा देती हूँ, ये साइकिल के फॉर्म में ऐसे दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? ये तो ऑक्सीजन क्या है, कार्बन नंबर 5 का है, ये कार्बन नंबर 1 है. तो कार्बन नंबर 1 पे जो ओ नेगेटिव आएगा वो प्रोटोनेट होके क्या बन जाएगा, ओ एच बन जाएगा. तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो राइट साइड में चले जाए या फिर लेफ्ट साइड में चले जाए. तो साइकिल में या तो वो अबव चले जाए या फिर बिलो चले जाए. तो अगर वो अबव जाता है तो बीटा कहलाता है, ठीक है? अबव जाएगा तो बीटा कहलाएगा, बीटा फॉर्म कहलाएगा. बाकी आपके पोजिशन कैसे रहेंगे, ये सी टू है तो सी टू में हाइड्रोक्साइड का होगा आपका बिलो होगा, सी थ्री में अबव होगा, सी फोर में बिलो होगा, और सी फाइव में आपका क्या, सी फाइव तो ये लगा, सी फाइव से ओ एच है, और सी सिक्स पे क्या, सी टू, सी टू सी एच टू ओ एच है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म हो जाएगा. तो आप देख रहे हो कि जब फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्साइड अगर अबव होता है तो वो बीटा फॉर्म होता है. इसी का अगर पे कर दूं कि अगर हाइड्रोक्साइड कहाँ चले जाए, बिलो में चले जाए, ये हो जाए ऐसे, ठीक है? ये है तो हाइड्रोजन की पोजिशन है, बाकी सब जगह सेम रहे सिचुएशन, बाकी सब जगह क्या है, सेम है ऐसे. तो ये फॉर्म क्या कहलाएगा, अल्फा फॉर्म कहलाएगा. सो ये दोनों ही फॉर्म क्या है, साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं और दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट. सो एक को अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, एक को बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, क्लियर? बी में लिखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनांशियोमर्स. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इनांशियोमर्स क्या होते हैं, इनांशियोमर्स वो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनके बीच में मिरर इमेज का रिलेशनशिप होता है और वो एक दूसरे की मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं. अब अगर आप अल्फा और बीटा फॉर्म को देखोगे तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर ही तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, ठीक है? एक बिलो होगा, एक अबव होगा, बाकी सब कार्बन में तो सेम कंडीशन है. तो ये मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में, ये क्या है, डाई स्टीरियोमर्स है, डाई स्टीरियोमर्स, ये डाई स्टीरियोमर्स है, ठीक है? इनांशियोमर्स नहीं होते हैं. सी में लिखा हुआ है सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ओनली बीटा ग्लूकोज यूनिट. ये भी बिल्कुल सही बात है, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है. पॉलीसैकेराइड का मतलब कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स रिलीज कर देगा. सो सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. जो बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं वो क्या करते हैं, लिंक करती हैं C1 C4 पर और आपका पॉलीसेक्राइड सेलुलोज बना देती हैं. डी में लिखा हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर. ये बिल्कुल सही है. अब देख लो, मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया तो जो ये किससे रिजेंबल करता है, ये पायरेन से रिजेंबल करता है. पायरेन कैसा होता है, पायरेन कुछ ऐसा दिखता है, ये पायरेन है. हीट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ऑक्सीजन होता है, 6 मेंबर की रिंग है, उसमें से एक मेंबर आपका ऑक्सीजन होता है, बाकी 5 कार्बन होते हैं. तो इस पायरेन रिंग से क्या करती है, रिजेंबल करती है, इस वजह से पायरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है. सो करेक्ट है आपका ए सी एंड डी, इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.